दोस्तों यहाँ पे हर लोग ये चाहते हैं कि हमारा ब्लॉग वेबसाइट यहाँ पे रैंक करे, वो भी गूगल के फर्स्ट पेज पे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत मुसीबत है, बहुत परेशानी है और ये इतना आसान काम भी नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छोटा सा यहाँ पे टिप्स देने वाले हैं, वो 3 टिप्स होगा जिसकी मदद से दोस्तों आप लोग अपने वेबसाइट को यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हैं और रैंकिंग भी जल्द से जल्द दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ये घंटी के निशान को दबा लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो का लुत्फ़ सबसे पहले उठा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे डोमेन बाय करना होता है, चाहे वो फ्री का हो चाहे वो पेड हो। अगर आप गूगल एडसेंस के तरफ जाते हैं, वर्क करना चाहते हैं, अगर वहाँ से आप लोग अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको टॉप लेवल डोमेन का यूज़ करना होगा। तो टॉप लेवल डोमेन में दोस्तों यहाँ पे आता है .com, .in, .org और भी बहुत सारे डोमेन हैं जिसके बारे में मैं बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग डायरेक्टली गूगल में फाइंड करके भी ये चीज़ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डोमेन बाय करने से पहले आपको ये सोचना है कि जो भी डोमेन बाय करे दोस्तों उसमें कुछ कीवर्ड हो। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं यहाँ पे एक वेबसाइट के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, sarkaririzult.com। बहुत अच्छी वेबसाइट है दोस्तों और सिंपल सा इंटरफेस है और जब इसका एलेक्सा रैंकिंग आप चेक कीजिएगा तो इंडिया के टॉप मोस्ट ब्लॉगर में से एक ब्लॉग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इन्फॉर्मेशन किस टाइप का इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सरकारी रिजल्ट के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ये वेबसाइट जल्दी रैंक क्यों किया और इसका रैंक करने का क्या कारण है। तो यहाँ पे दोस्तों रैंक करने का कारण ये है कि इस वेबसाइट में कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कीवर्ड दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट है और सरकारी है, ठीक है, sarkaririzult.com, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए अगर रिजल्ट से रिलेटेड वहाँ पे अगर सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट कहीं ना कहीं पे वहाँ पे देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका बैकलिंक भी बहुत अधिक है और दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि आपका वेबसाइट अगर रैंक कर जाता है तो वो आपके डोमेन के वजह से रैंक करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। डोमेन लेने से पहले दोस्तों आपको हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई भी उल्टा पुल्टा डोमेन ना लें। डोमेन बाय करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ऐसी वेबसाइट मिल जाती है और बाय करने से पहले दोस्तों आप लोग डोमेन के ऊपर जरूर रिसर्च करें कि इसका मार्केट में क्या डिमांड है, क्या है नहीं है, कंपटीशन देखना है आपको। अगर कंपटीशन कम है तो आप उस डोमेन को जरूर बाय करें, वो डोमेन जल्दी से जल्दी रैंक करेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे जानते हैं हमारा वेबसाइट है technologytipsisrael.com। तो टेक्नोलॉजी टिप्स, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, इसराइल तो हमारा नाम है जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। तो ये वेबसाइट जल्दी रैंक किया, बहुत कम SEO भी हमने इसमें किया था, लगभग 15 से 20 दिन के अंदर गूगल के पेज पे ये दिखने लगा। और दोस्तों अगर आपका वेबसाइट रैंक करने लगता है गूगल के पहले पेज पे हो जाता है, ठीक है, एडसेंस का भी अप्रूवल है, तो आपको वहाँ पे अर्निंग होनी ही होनी है। जब दोस्तों ट्रैफिक आने लगेगा तो ऑलरेडी अर्निंग होगी, जब दोस्तों अर्निंग होगी तो आपको मज़ा भी आने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये दोस्तों पहला प्रोसेस हुआ। अब दूसरा प्रोसेस दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि सर हम बैकलिंक कैसे जनरेट करें, वो भी क्वालिटी बैकलिंक। तो मैं आपको बताता हूँ, आपका वेबसाइट अगर जिस भी कैटेगरी में है, चाहे वो टेक हो, चाहे वो रेसिपी हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो, तो आप लोग फाइंड करें। फाइंड करने के बाद गूगल में फाइंड करने के बाद बहुत सारा रिजल्ट दिखेगा और दोस्तों उसका एलेक्सा रैंकिंग वगैरह आप लोग चेक कर लें। जिसमें दोस्तों अधिक दिखता है तो उस वेबसाइट के ऊपर आप ज़रूर जाएँ। जाने के बाद दोस्तों उसके पोस्ट को पढ़ें, पर एक पोस्ट को जैसे ही आप खोलिएगा तो आपको बहुत सारा आर्टिकल वहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले पोस्ट को पढ़ लीजिए कि इस पोस्ट में क्या बोला जा रहा है, क्या किस टॉपिक पे है, ठीक है। तो उस टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद दोस्तों आप जब नीचे आइएगा तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स होगा। अगर दोस्तों वो वेबसाइट यहाँ पे वर्डप्रेस पे बना हुआ होगा तो आपको वहाँ पे फर्स्ट नाम, सेकंड नाम और उसके बाद ईमेल आईडी और कमेंट बॉक्स होगा और नीचे में वेबसाइट का URL होगा। तो वेबसाइट का URL दोस्तों इसलिए दिया हुआ होता है कि लोगों को पता चलेगा किस वेबसाइट से आया हुआ है, ठीक है। तो अगर ट्रैफिक उस वेबसाइट पे अधिक है, अगर वो आपके कमेंट को वहाँ पे अप्रूव कर देता है, तो अगर 1000 लोग आ रहे हैं आपके वेबसाइट उनके वेबसाइट पे, तो 100-200 तो लोग आपके वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएंगे अगर आप अच्छा कमेंट करते हैं तो। अगर उनके ऑनर को अगर मान लीजिए आपका कमेंट पसंद आ जाता है, वो अप्रूव्ड कर देते हैं, तो आप वहाँ से बैकलिंक आसानी से बना सकते हैं। तो ये दोस्तों एक
प्रोसेस हुआ दूसरा। अब तीसरा प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, वो भी जान लीजिए। तीसरा प्रोसेस होता है दोस्तों कि आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को कीवर्ड की मदद से रैंक करवा सकते हैं। तो कीवर्ड कैसे निकालेंगे, तो गूगल में बहुत सारा यहाँ पे वेबसाइट है जो फ्री में भी है और वहाँ पे पेड भी है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा फ्री पहले यूज़ करके देख लीजिए, अगर वर्क करता है तो ही आप पेड यूज़ कीजिए। मैं तो फ़िलहाल यहाँ पे फ्री ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पोस्ट लिखने से पहले आपको कीवर्ड का रिसर्च करना होगा, तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा। कीवर्ड प्लेमर के नाम से बहुत ऐसा वेबसाइट है जो आपको बढ़िया बढ़िया हाई क्वालिटी कीवर्ड वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग अपना टाइटल बनाइए। टाइटल जैसे बनाते हैं पोस्ट का, अगर आप पोस्ट कंप्लीट हो जाता है तो पोस्ट के अंदर उस टाइटल का कुछ वर्ड को यूज़ कीजिए और टैग को लगाइए, ठीक है। टैग अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट है तो टैग यूज़ कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ब्लॉगर पे वेबसाइट है तो आप वहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन के पास जा करके वहाँ पे उस क्वालिटी कीवर्ड को वहाँ पे यूज़ कीजिए। इसके कारण दोस्तों होता क्या है कि आपका वेबसाइट भी वहाँ पे रैंक करेगा और आपका पोस्ट भी रैंक करेगा। और दोस्तों जब भी आप वेबसाइट को वहाँ पे बनाते हैं उसका टाइटल सोच समझ के दीजिए, ठीक है। देख लीजिए कि इसकी कंपटीशन क्या है मार्केट में, और इसका यानी ज़्यादा कंपटीशन अगर होता है दोस्तों तो आप उस कीवर्ड को यूज़ ना करें, क्योंकि दोस्तों वो वेबसाइट वहाँ पे वैसे का वैसा ही रहेगा और लगभग 5-6 पेज के नीचे आएगा और बैकलिंक बनाते बनाते आपको साल गुजर जाता है। तो इस वजह से आपका वेबसाइट वहाँ पे रैंक नहीं करने वाला है। तो आप लोग अपने वेबसाइट का टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन जो देते हैं, अच्छा कीवर्ड, अच्छा टाइटल को फाइंड करके ज़रूर यूज़ करें। ये SEO का बेसिक टिप्स मैंने आपको दिया है। चाहे आपका दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बना हुआ है या बनाना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि बैकलिंक होता क्या है, तो बैकलिंक दोस्तों होता है ये कि एक दूसरे वेबसाइट के ऊपर से ट्रैफिक जो आ रहा है उसके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक, तो उस ट्रैफिक में से कुछ ट्रैफिक हमारे वेबसाइट के ऊपर भी आए तो उसे ही कहते हैं बैकलिंक। बैकलिंक दोस्तों जनरली दो तरह का होता है, एक होता है डू फॉलो बैकलिंक, एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। नो फॉलो बैकलिंक का दोस्तों यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो आप लोगों को जो चाहिए डू फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो बैकलिंक दोस्तों आप लोग कॉमेंट की वजह से बना सकते हैं, अपने पोस्ट के आर्टिकल में आप अपने दूसरे लिंक को वहाँ से प्रमोट करके बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक सीरीज शुरू होने वाला है जो कल वाले वीडियो में हम आपको यहाँ पे ज़रूर बताएंगे, वेब 2.0 की मदद से आप अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए बहुत अधिक बैकलिंक किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर ये वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है या फ़ायदा हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।